तो इस प्रॉब्लम को हमने प्रीवियस वीडियो में एक जेनरिक मेथड से किया था अब इसको एक शॉर्ट में एक जो टू द पॉइंट सॉल्यूशन है उससे भी करते हैं तो देखिए हमें एफ और एक्स का रिलेशन दिया हुआ है और एफ और एक्स ने इनफैक्ट टेंशन और एक्स का रिलेशन हमें दिया हुआ है और पूछा है वॉट कैन वी कंक्लूड अबाउट डेंसिटी तो t और x का रिलेशन दिया है रो के बारे में पूछा है तो इफ़ सम हाउ वी कैन रिलेट टी एक्स एंड रो तो हमें पता लग जाएगा रो का Variation as वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स तो देखो उसके लिए क्या करो अब पीछे से एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लो अब पीछे से एक्स डिस्टेंस पे क्यों ले रहे हैं क्योंकि जो ऑप्शन हैं उसमें भी एक्स इज टेकन from द रियर एंड तो एक्स डिस्टेंस पे एक डी एक्स एलिमेंट लो अब इस तरफ आप खींच रहे हो तो ऑब्वियसली इस तरफ टेंशन ज्यादा होगा तो इस तरफ ले लेते हैं टी प्लस डी टी और इस तरफ ले लेते हैं टेंशन टी वैसे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा होगा या कम होगा क्योंकि x से हम t रिलेट कर रहे हैं तो x डिस्टेंस पे हमको t लेना है और x प्लस डी पे हमको t प्लस डी लेना है एंड ऑलसो लेट से डिस्टेंस x आवर डेंसिटी इज रो x तो ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा तो एक्सलेशन मान लेते हैं a तो f कांस्टेंट है तो एक्सलेशन भी कांस्टेंट है तो इस पूरे फिगर में f और a कॉन्स्टेंट है और ये सब चीज़ें वेरी हो रही हैं अब देखो कैसे हम इन तीनों को रिलेट कर सकते हैं तो जो डिफरेंस इन टेंशन है दैट इज़ कॉजिंग दिस स्मॉल मास टू एक्सलरेट और इसका मतलब ये जो फोर्स होगा डी टी दैट इज इक्वल टू एम ए और इसका जो मास होता है वो हम रो से रिलेट कर सकते हैं और जो ए है वो कॉन्स्टेंट है तो भाई हो गए टी रो और एक्स रिलेट है ना सो लेट्स टू सो एफ इज इक्वल टू एम ए तो इस एलिमेंट पे जो फोर्स है वो है डी टी और जो उसका मास है वो है रो इंटू वॉल्यूम सो so, रो इज रो एक्स वॉल्यूम इज ए डी एक्स इंटू एक्सेलरेशन एक्स। एक्स। अब द क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो वटा रहते हैं सो वी सिंपली गेट डी टी बाई डी एक्स डी एक्स से धड़े गए इसल टू तो रो एक्स तो वही देखो ये रिलेशन आ गया ना तो ये टी आ गया ये रो आ गया और ये एक्स आ गया तो ऑल थ्री आर नाउ रिलेटेड अब यहाँ से तो खैर कुछ खास मजा नहीं आ रहा तो डी टी बाय डी एक्स पॉजिटिव है स्लो पड़ जाकर पॉजिटिव है और डेंसिटी भी पॉजिटिव ही होती है तो मज़ा नहीं आया तो एक बार और इसको और डिफरेंशिएट करो तो डी टू टी बाई डी एक्स स्क्वायर इस प्रोपोर्शनल टू रो डैश एक्स और अब इंटरेस्टिंग आ जाता है कि इसकी डी टू टी बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज़ नेगेटिव दैट वी कैन सी इन द ग्राफ तो ये सर्कल नीचे की तरफ बन रहा है इसका ये प्रीवियस जो इसका सॉल्व किया था हमने मेथड वन से वहां भी ये चीज़ आप वहाँ डिटेल में डिस्कस किया हमने तो यहां डायरेक्ट बता सकते हैं कि डी टू डी बाई डी एक्स स्क्स नेगेटिव फ्रॉम ग्राफ तो ये एच एस नेगेटिव है तो आर एच एस भी नेगेटिव हुआ ठीक है सो रो डैश एक्स इज ऑल्सो लेस देन जीरो तो रो डैश एक्स क्या बताता है रो एक्स का वेरिएशन तो रो एक्स इज डिक्रीजिंग विद एक्स सो आवर आंसर इज अगेन दिस बी ठीक है